सरदार पटेल की जयंती के मौके पर गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि। आज सरदार पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर देश मना रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। गुजरात के केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी पर हुए यूनिटी प्रोग्राम में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने किया सरदार पटेल को सलाम। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के बाद देश की रियासतों का किया था एकीकरण। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने ली शपथ, देश की एकता की भावना से ली शपथ। शपथ में सरदार पटेल को दिया गया एकता का श्रेय। गुजरात के केवड़िया में एकता परेड का भी किया गया आयोजन। देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस के अलावा केंद्रीय सशस्त्र बलों ने लिया एकता परेड में हिस्सा। कार्यक्रम में देश के अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भी लिया हिस्सा। एकता परेड के अलावा एनडीआरएफ एनएसजी ने मॉक ड्रिल का भी किया प्रदर्शन। एकता दिवस पर पीएम मोदी ने किया लोगों को संबोधित, कहा सरदार पटेल की प्रतिमा के पास आने से ऊर्जा मिलती है। ये प्रतिमा ही देश की एकता का प्रतीक है। देश के किसानों ने इसे बनाने में दिया है लोहा। अलग अलग हिस्सों की मिट्टी का भी हुआ है इस्तेमाल। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा जो हमसे लड़ नहीं सकते वो फूट डाल रहे हैं। कुछ लोग हमारी एकता के भाव को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता है। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के लियाकतपुर शहर के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। गैस सिलेंडर फटने से ट्रेन में लगी भीषण आग। आग में करीब 65 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई। राहत और बचाव का काम भी जारी। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। कराची रावलपिंडी एक्सप्रेस में लगी आग। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बुधवार रात को खत्म हो गया। इसके साथ ही दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गए। आर्टिकल 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को संसद के खत्म किए जाने के 86 दिन बाद ये फैसला प्रभावी हुआ। ये पहली बार है जब किसी राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया गया। इसके साथ ही देश में राज्यों की संख्या 28 रह गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। अब जम्मू कश्मीर के संविधान और रणवीर दंड संहिता का अस्तित्व भी खत्म हो गया। राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने और इसके विभाजन की घोषणा 5 अगस्त को राज्यसभा में की गई थी। कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पुडुचेरी की तरह ही विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तर्ज पर बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश होगा। केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर आर के माथुर ने शपथ ली। राधा कृष्ण माथुर त्रिपुरा कैडर के आईएएस अफसर हैं और रक्षा सचिव भी रह चुके हैं। सरदार पटेल की जयंती पर राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटेल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया। पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नेशनल स्टेडियम में एकता दौड़ की शुरुआत की। झंडी दिखाते हुए दौड़ में शामिल सभी लोगों का हौसला बढ़ाया। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि हम देश की अखंडता और एकता के लिए उन्हें सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गृह मंत्री ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के अधूरे सपने को पूरा किया। उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। अमित शाह ने कहा कि पूरा देश और दुनिया मानती थी कि भारत को आजादी तो मिली लेकिन भारत बिखर जाएगा। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक के बाद एक रियासत को देश के साथ जोड़ने का काम किया। अपने संबोधन के दौरान शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर में रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ काफी तादाद में लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार रात गुजरात दौरे पर पहुंचे। यहां सबसे पहले वो गांधीनगर गए। अपनी मां हीराबा से रायसन गांव पहुंचकर पीएम ने मुलाकात की और अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम ने अपनी मां के साथ करीब 20 मिनट बिताए। कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिवसेना का दामन थामने वाली नेता प्रियंका चतुर्वेदी को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी मिली है। ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले की जानकारी देते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से धमकी देने वाले शख्स का ट्वीट शेयर किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, असहमति सहन कर सकती हूँ लेकिन धमकी नहीं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर राजनीतिक विज्ञापनों का जरिया नहीं बनेगा। ट्विटर का कहना है कि वो सभी राजनीतिक विज्ञापनों को बंद करेगा। ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने कहा, इंटरनेट पर विज्ञापन बहुत ताकतवर और प्रभावी होते हैं। कारोबारी विज्ञापनों तक ठीक है, लेकिन यही ताकत राजनीति में बहुत बड़ा जोखिम भी लाती है। लखनऊ में सामने आई CM योगी की संवेदना। बीमार बुजुर्ग की CM योगी ने की मदद। सोशल मीडिया पर मिली थी जानकारी, असहाय होने की जानकारी मिली थी। CMO ने बुजुर्ग को अस्पताल में कराया भर्ती। CM योगी के आदेश के बाद कराया गया भर्ती। शिवसेना विधायक दल के नेता चुने गए एकनाथ शिंदे। राज्यपाल से मिलेंगे आदित्य ठाकरे। उनके नाम का प्रस्ताव पार्टी नेता आदित्य ठाकरे ने रखा। खुद ठाकरे का नाम भी इस पद के लिए चर्चा में था। प्रियंका गांधी का BJP पर निशाना। सरदार पटेल को अपनाने की कोशिश कर रही है BJP, क्योंकि उनका अपना कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया। भाजपा और RSS पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि पटेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सख्त खिलाफ थे। खतरे में 13 लाख भारतीय डेबिट क्रेडिट कार्ड का डेटा। कई भारतीय बैंकों के लगभग 13 लाख डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा बेचा जा रहा है। इससे साइबर क्रिमिनल्स $130 मिलियन यानी करीब 920 करोड़ रुपए तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक कार्ड का डेटा $100 यानी करीब 7000 रुपए में बेचा जा रहा है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इसे हाल के वर्षों में सबसे बड़े कार्ड डंप करार दिया है। एयरफोर्स में 38 साल तक सेवा देने वाले मिग 27 का सफर खत्म। 27 दिसंबर को जोधपुर में आखिरी उड़ान भरेगा मिग 27। देश भर में मिग 27 की एकमात्र स्क्वाड्रन 29 स्कॉर्पियो के 7 विमान रिटायर होंगे। मिग 27 1981 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। तेजस या सुखोई विमान मिग 27 की जगह ले सकते हैं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। RSS ने फैसले को खुले मन से स्वीकार करने की बात कही। कहा, निर्णय के पश्चात देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे। गौरतलब है कि राम मंदिर पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। नवंबर में ही फैसला आने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर GC मुर्मू ने शपथ ली है। राज्य के विभाजन के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली है। गुजरात कैडर के IAS अफसर मुर्मू इससे पहले वित्त मंत्रालय में बतौर व्यय सचिव कार्यरत थे, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब मुर्मू उनके अतिरिक्त प्रधान सचिव रहे थे। अमेठी पुलिस की कस्टडी में शख्स की मौत मामले ने पकड़ा तूल। परिजनों ने अमेठी पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। कार्रवाई के अलावा कई शर्तों की रखी मांग। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सरे बाजार महिला ने सिपाही पर चप्पल तान दी। जाम खुलवा रहे सिपाही पर चप्पल तानते महिला का वीडियो वायरल हो गया है। हमीरपुर में शहीदों की लाइव पिटाई। महिलाओं से छेड़खानी करना पड़ा महंगा। मेले की भीड़ ने जमकर की पिटाई। आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया। सीतापुर में सैनिक के घर में घुसकर मारपीट। लाठी डंडे से पड़ोसियों ने सैनिक के परिवार को पीटा। मामूली विवाद के बाद शुरू हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया केस। थाना मछेरटा का मामला। LOC पर पाकिस्तान की नापाक हरकत। सीमा पर पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है और भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। करतारपुर कॉरिडोर उद्घाटन के लिए इमरान खान ने नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा न्योता। सीनेटर फैसल जावेद ने PM इमरान खान के निर्देश पर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। 9 नवंबर को सिद्धू को बुलाया पाकिस्तान। इमरान खान ने अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी नवजोत सिंह सिद्धू को किया था इन्वाइट।
फिर से विदेश यात्रा पर राहुल गांधी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में नहीं होंगे शामिल। राहुल गांधी फिर विदेश गए हैं। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 15 नवंबर तक कांग्रेस को मंदी के खिलाफ आंदोलन करना है, 35 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो विदेश में हैं। सुस्त अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले मेडिटेशन के लिए विदेश गए राहुल गांधी। बीजेपी बोली, कार्यक्रम सार्वजनिक क्यों नहीं करती कांग्रेस। जम्मू कश्मीर दौरे पर आए यूरोपीय सांसदों के दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डेलीगेशन की ओर से कहा गया कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और कश्मीर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईयू सांसदों ने कहा कि हमारे दौरे को राजनीतिक नजर से देखा गया, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर हालात की जानकारी लेने आए थे। अनुच्छेद 370 को इन सांसदों ने भारत का आंतरिक मसला बताया और कहा कि भारत पाकिस्तान को आपस में बात करनी चाहिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि को जाने वाले प्रसाद पर लगी रोक। अब श्रद्धालु रामलला को नहीं चढ़ा पा रहे प्रसाद। फैसले से श्रद्धालुओं को लगा बड़ा झटका। प्रसाद बेचने वालों के सामने भी खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। दिवाली से प्लास्टिक पॉलिथीन पर अयोध्या में पूरी तरह लगा बैन। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में दिया जाता था प्रसाद। विश्व हिंदू परिषद ने किया फैसले का विरोध। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राजी। अयोध्या में रामलला को प्रसाद चढ़ाने के मामले में जिला प्रशासन ने किए कागज के पारदर्शी लिफाफे के इंतजाम। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। अयोध्या केस के फैसले से पहले अलर्ट पर एजेंसियां। संवेदनशील जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट लेने में जुटा आईबी। पुलिस अफसरों के साथ भी होगी मीटिंग। अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बस्ती में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी से सक्रियता बढ़ती जा रही है। डीएम एसपी समेत सभी अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक की। राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष राम विलास वेदांती ने जताई हत्या की आशंका। कहा, कमलेश तिवारी की तरह मेरी भी हो सकती है हत्या। यूपी में डीजीपी दफ्तर ने आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर सूची की तैयार। नोडल अफसरों की रिपोर्ट के बाद जल्द कसने वाला है जिला कप्तानों पर शिकंजा। सीएम को भेजी गई है सभी जिलों के कप्तानों की रिपोर्ट। चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पीड़ित लड़की के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगा वक्त। जमानत अर्जी पर 8 नवंबर को होगी सुनवाई। चिन्मयानंद के वकील भी दाखिल करेंगे जवाब। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में लक्ष्मी जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान घाघरा नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों युवकों का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दीपावली में पूजा के लिए पंडाल में स्थापित की गई थी लक्ष्मी जी की मूर्ति। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के दुहा बालखंडी नाथ मठ के पास की घटना। ललितपुर में चलती गाड़ी बनी आग का गोला। ड्राइवर और क्लीनर ने कूद कर बचाई जान। ताल बेहट के NH 44 की घटना। कानपुर में जिला न्यायालय के बाहर बने एक घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि वहां भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगी। उन्नाव के चकलवंशी क्षेत्र में बने साड़ी सेंटर में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने धुआं और आग की लपटें उठता देख दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। लखनऊ के विभूति खंड के फ्लाइंग सॉसर रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट के किचन में आग लगने के बाद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बरेली में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और वैन के बीच हुई टक्कर। हादसे में 8 लोगों की हुई मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। बरेली हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। सीतापुर बड़ेलिया गांव में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में ड्राइवर सहित 4 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में बने कुंड के दूषित पानी से स्नान करने से 3 दर्जन श्रद्धालु बीमार हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रामनगर के चिल्किया टांडा गांव में सड़क हादसे में बच्ची समेत 2 की मौत। NH 121 पर काशीपुर से आ रही कार ने साइकिल सवार समेत घर के बाहर खेल रही बच्ची को मारी टक्कर। लोगों ने घायल बच्ची और युवक को पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित किया। पुलिस कर रही है चालक से पूछताछ।
वाराणसी एडीजी जोन कार्यालय में महिला फरियादी ने जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश। पति से भत्ते की मांग को लेकर गुहार लगाने आई थी महिला, सुनवाई न होने से परेशान होकर उठाया कदम। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कराया गया भर्ती। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की दूसरी पत्नी बताई जा रही है महिला। आगरा में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई का मामला। डॉक्टरों ने की एक पिता की पिटाई, डरे पिता ने पुलिस में नहीं की शिकायत। पहले भी जूनियर डॉक्टरों की दबंगई के मामले आ चुके हैं सामने। आगरा में लूट के आरोपी ने एतमादपुर की छलेसर पुलिस चौकी में खुद को आग लगा ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात में उसे दिल्ली रेफर करने पर यह मामला खुला। इस मामले में एसएसपी बबलू कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में मृतक के परिजन अंतिम संस्कार को राजी नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मसूरी छावनी परिषद प्रशासन की अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रेलिया बैंक में किए गए अवैध निर्माण को भी तोड़ने की तैयारी भारी पुलिस बल के साथ की जा रही है। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में नशे में धुत रईस जादे ने की हवाई फायरिंग। फायरिंग से इलाके में मची अफरा तफरी। गुंडा के निजी स्कूल संचालक जितेंद्र पाल सिंह ने की थी फायरिंग, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जितेंद्र ने बेखौफ होकर डायल 100 के पास खड़े होकर की थी फायरिंग। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर दबंगों ने किया पथराव। हमले में एक होमगार्ड का सिर फट गया, उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने दो शराबियों को मौके से गिरफ्तार किया। मामला सदर कोतवाली के मौसमपुर अल्हड़ गांव का है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना इलाके में 27 अक्टूबर को हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक मृतक साधु तंत्र मंत्र करने के लिए शमशान घाट की चिता से मांस चुराता था और उसने अंकुश यादव की बहन के शव से मांस निकाला था। इसलिए अंकुश ने अपने साथी के साथ मिलकर दिवाली की रात में बाबा और उसके पास आए एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर में पति ने की पत्नी की हत्या। घर के लोगों पर भी बोला हमला, गांव वालों पर भी किया हमला। ग्रामीणों ने आरोपी की पीट पीट कर कर दी हत्या। गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेमौर गांव की घटना। फिरोजाबाद में मामूली कहासुनी के बाद विवाद, दो पक्षों में जमकर चली गोलियां। पूर्व प्रधान की गोली लगने से हुई मौत, हमले में दो लोग भी हुए घायल। थाना पचोखरा की घटना। ग्रेटर नोएडा में शख्स ने रची अपहरण की झूठी साजिश। अपहरण की झूठी एफआईआर लिखवाई। नाटक करने के लिए आरोपी ने पैर में ठोकी कील। पुलिस की जांच में सच्चाई आई सामने। पिथौरागढ़ में तिहरे हत्याकांड का खुलासा। भतीजे ने की थी चाचा की हत्या। तीन नेपाली मजदूरों की हुई थी हत्या। आपसी विवाद को लेकर किया गया कत्ल। प्रयागराज पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पत्नी ने ही कराई थी पति की हत्या। अवैध संबंधों के चलते कराई हत्या। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी हत्या। अवैध संबंधों के शक में पत्नी को मारी गोली। गोली लगने से पत्नी की मौके पर मौत। हत्यारोपी पति फरार। घर के पास खाली प्लॉट से महिला का शव हुआ बरामद। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। औगाता थाना क्षेत्र के ग्राम भैसरोली का मामला। ग्रेटर नोएडा की जारचा पुलिस और बदमाशों के बीच हर्ष होटल के पास मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। डीजल चोरी करते वक्त ये मुठभेड़ हुई जिसमें तीन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। उनकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस को अवैध हथियार, एक कार और चोरी का 100 लीटर डीजल बरामद हुआ है। गाजियाबाद में अनोखी ठगी का मामला आया सामने। दिवाली पर अपने ही घर के लोगों से खिलाया जुआ, फिर बदमाश बुलाकर लुटवाए पैसे। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 आतंकवाद का गेटवे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें समाप्त कर इस गेटवे पर फाटक लगा दिया है। देश में मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख वामपंथी नेता और पूर्व सांसद गुरुदास दास गुप्ता का गुरुवार सुबह 6 बजे कोलकाता में निधन हो गया। वो 83 साल के थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम्स के निदेशक को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले के आरोपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने के लिए गुरुवार को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1 और 2 नवंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
जवाहर पंडित मर्डर केस में गुरुवार को जिला अदालत सुनाएगी फैसला। मामले में आरोपी हैं करवरिया ब्रदर्स, जेल में बंद हैं तीनों भाई। चर्चित मर्डर केस में कलराज मिश्र भी हैं गवाह। नोएडा में एक महिला ने पुलिसकर्मी के बेटे पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया। अब पीड़िता की बेटी ने सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया पर शेयर कर न्याय की गुहार लगाई है। काशीपुर में एक सेही घर के अंदर आग घुसा। रिहायशी इलाके में सेही को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस सेही को आखिरकार किसी तरह से पकड़ा। छठ पूजा को लेकर कानपुर के नगर निगम ने कोई तैयारी नहीं की है। सचान नहर में साफ सफाई तो दूर बल्कि गंदगी का अंबार लगा है। लोग खुद ही पूजा के चलते साफ सफाई कर रहे हैं। गाजीपुर में लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए मजबूर हैं, या फिर 20 किलोमीटर की यात्रा कर बिहार के बक्सर में जाकर अपना आधार कार्ड में संशोधन करवा रहे हैं। रुड़की के पीरान क्लियर में सालाना उर्स की शुरुआत हो गई है। पीरान क्लियर में साबिर पाक की दरगाह का 751वां उर्स का शुभारंभ मेहंदी डोरी रस्म के साथ हुआ। मेहंदी डोरी अदा करने के लिए भारी संख्या में जायरीन साबिर पाक की दरगाह पहुंचे। उत्तरकाशी के सारा तांबाखानी सुरंग में शहर का कूड़ा जलाया जा रहा है। नगर पालिका ने पूरे शहर का कूड़ा गंगा नदी के पास इकट्ठा किया है, जिसकी वजह से गंगा नदी दूषित हो रही है। वहीं नगर पालिका के इस कदम से प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नोटबंदी के बाद काले धन पर मोदी सरकार दूसरा बड़ा कदम उठाने की तैयारी में। काले धन से सोना खरीदने वालों पर लगाम लगाने के लिए सरकार खास स्कीम ला सकती है। इनकम टैक्स की एमनेस्टी स्कीम के तर्ज पर सोने के लिए एमनेस्टी स्कीम ला सकती है सरकार। एक तय मात्रा से ज्यादा बगैर रसीद वाले गोल्ड होने पर उसकी जानकारी देनी होगी और गोल्ड की कीमत सरकार को बतानी होगी। कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव करने जा रही है। ग्रेच्युटी के नियम को बदलने के लिए केंद्र सरकार संशोधित बिल इसी साल शीतकालीन सत्र में संसद में लेकर आएगी। ग्रेच्युटी के नियम के मुताबिक इस रकम के लिए किसी भी कर्मचारी का कंपनी में 5 साल तक काम करना जरूरी है, लेकिन अब सरकार संशोधित बिल में इसे 1 साल किया जा सकता है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को एक और नए फीचर का तोहफा दिया है। नए फीचर्स के बाद अब आप म्यूटेड चैट्स के डिस्प्ले नोटिफिकेशन व्हाट्सएप आइकन पर नहीं दिखेंगे। इससे पहले आईफोन यूजर्स को म्यूट किए हुए चैट के नोटिफिकेशन भी शो होते थे, जो अब नहीं होगा। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये फीचर्स पहले से उपलब्ध हैं। क्रिकेट सीरीज के लिए दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की टीम। 3 नवंबर को पहला टेस्ट मैच होगा। भारतीय पर्यावरण विदों ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को लिखा पत्र। कहा, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, स्थिति में टी20 मुकाबले को दिल्ली से बाहर कराया जाए आयोजित। इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन के बाद बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने बड़ा फैसला लिया है। दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर ने खेल के नियम बनाने वाली संस्था एमसीसी की विश्व क्रिकेट समिति से खुद को अलग कर लिया। शाकिब अक्टूबर 2017 में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब समिति से जुड़े थे और उन्होंने सिडनी और बेंगलुरु में दोनों जगह बैठकों में शिरकत की थी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने मंगलवार को कहा कि भारत में पहला डे नाइट टेस्ट कराने का ऐतिहासिक फैसला सामान्य समझ के आधार पर किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिकेट के पारंपरिक प्रारूप के प्रति दर्शकों की रुचि फिर से जगाने का यही तरीका है। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पहला डे नाइट टेस्ट 22 से 26 नवंबर तक ईडन्स गार्डन पर खेला जाएगा। बांग्लादेश का भी यह पहला डे नाइट टेस्ट होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। इन दिनों वो डायरेक्टर मुदस्सर अजीज के साथ डेटिंग को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। मुदस्सर अपने सुष्मिता सेन के साथ अफेयर को लेकर भी सुर्खियों में रह चुके हैं। सोना महापात्रा ने आरोप लगाया है कि सोनू निगम ने उन्हें काबू में रखने के लिए #MeToo आंदोलन के समय उनके पति को फोन किया था। उन्होंने कहा कि जिस शो में वो जज थी अनु मलिक पर यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद उन्हें उस शो से हटाया गया, क्योंकि उससे उनके प्रतिद्वंदी शो की TRP बढ़ गई थी। भोजपुरी में बनेगी लालू प्रसाद यादव की बायोपिक। गुजरात और बिहार के कई हिस्सों में होगी फिल्म की शूटिंग। लालू की बायोपिक फिल्म का नाम लालटेन रखा गया। सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ मुंबई से पहुंचे बरेली। बहन कृष्णा के जिम का किया उद्घाटन। लोगों में दिखा टाइगर का जबरदस्त क्रेज। टाइगर ने भी फैंस को नहीं किया निराश। बागी 3 मूवी की शूटिंग में बिजी हैं टाइगर श्रॉफ।
बाला विवाद पर आयुष्मान खुराना ने तोड़ी चुप्पी, कहा एक ही आइडिया 10 लोगों के दिमाग में आ सकता है। एक ही विषय पर मुझे 5 फिल्में ऑफर हुई थी। गौरतलब है कि गंजेपन पर बनी फिल्म उजड़ा चमन के मेकर्स ने भी बाला के निर्माताओं पर किया हुआ है कानूनी केस। एयरपोर्ट पर पेपराजी से नाराज नजर आए तैमूर अली खान, फोटो लेने से करते दिखे मना। मॉम करीना कपूर भी साथ में थी मौजूद। गुस्से में दिखे तैमूर ने फोटोग्राफर्स को कहा नो। ऐश्वर्या राय के मैनेजर के लहंगे में लगी आग को बुझाने में घायल हुए शाहरुख खान, बिग बी की दिवाली पार्टी में हुआ हादसा। अमिताभ बच्चन की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सितारों ने शिरकत की थी। उसी पार्टी में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी पहुंचे थे। इसी पार्टी में यह हादसा हुआ। लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म मरजावा में नजर आएंगे। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के चलते सिद्धार्थ इस फिल्म के सहारे अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश में होंगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी।